बनेश्वर महादेव मंदिर नसरापुर। पुणे से लगभग एक घंटा दूरी पर यह मंदिर स्थित है, जहां आप वन का भी आनंद ले सके, नेचर का भी आनंद ले सके और मंदिर के दर्शन भी हो, तो उसके लिए ये बनेश्वर मंदिर नसरापुर का एक बहुत बेहतर विकल्प है। बनेश्वर पुणे से लगभग 36 किलोमीटर दूरी पे है, पुणे सातारा रोड पे नसरापुर गांव के पास में बसा हुआ है। ये एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है और ये एक हिस्टोरिकल टेम्पल है। यहाँ बनेश्वर किस रेनी सीजन में या फिर मानसून सीजन में यहाँ काफ़ी अच्छा नेचर का नज़ारा देखने को मिलता है। तो बनेश्वर मंदिर के बारे में हम आज डिटेल देखेंगे, ये मंदिर कैसा है, आस में उसके एक वन उद्यान भी है और साथ में एडवेंचर पार्क भी है। आपको मंदिर के दर्शन लेने के बाद आपको वन उद्यान भी देखने को मिलेगा और एडवेंचर पार्क भी देख सकते हैं आप। इसमें कुछ इवेंट स्पोर्ट्स वगैरह हैं, उसमें आप भाग ले सकते हैं। इसमें काफ़ी रोमांचकारी अनुभव आ सकता है। आप देख सकते हैं मंदिर के चारों ओर कैसे पूरे पेड़ वगैरह है, पूरा एकदम ग्रीनरी है। यहाँ पार्किंग की काफ़ी अच्छी सुविधा बनी है, टू व्हीलर सेपरेट, फोर व्हीलर सेपरेट, और मंदिर के बाहर में कई शॉप्स भी है। इधर आप ये मंदिर के एंट्रेंस में त्रिशूल देख सकते हैं। ये त्रिशूल पवित्रता और अच्छे कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही मतलब कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद राइट साइड में आपको दो कुंड देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं मंदिर का नज़ारा। इसमें एक कुंड में मछलियाँ देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। और एक कुंड के नीचे झरने हैं, यहाँ पानी वहीं से आता रहता है। और ये दूसरा कुंड है, इसमें आपको कछुए दिखाई देंगे। ये दोनों कुंडे मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण है। ये देखिए कुछ कछुए धूप का आनंद लेने के लिए बाहर आके बैठे हैं। इस मंदिर को जल मंदिर भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं मुख्य मंदिर। ये नंदी की मूर्ति आप देख सकते हैं। मंदिर के साइड में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर भी है। अभी हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए ये शिवलिंग आप देख सकते हैं, इसका दर्शन भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये मंदिर 1749 में पहले बाजीराव पेशवे के पुत्र नाना साहब पेशवा ने बनाया। इसको मंदिर को बनाने में लगभग 6 साल लगे, 1749 से 1755। मंदिर में आते ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। ये मंदिर बनाने में लगभग 11,426 रुपये 8 आने और 6 पैसा का खर्चा आया। मंदिर के चारों ओर आप देख सकते हैं पूरी हरियाली छाई हुई है। मंदिर के बाहर एक यज्ञ मंडप भी है, जहां महाशिवरात्रि के दिन यज्ञ होता है। और ये मंदिर मध्यकालीन वास्तु के अनुसार बनाया गया है। ये मंदिर का बाहर का परिसर आप देख सकते हैं।
सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ काफी भीड़ रहती है। बनेश्वर, बन मतलब जंगल, ईश्वर मतलब देव, जंगल का देव, इस हिसाब से इस मंदिर को बनेश्वर के नाम से जाना जाता है। बनेश्वर एक संरक्षित वन्य क्षेत्र है और वन्यजीव अभयारण्य भी है, जिसे बर्ड सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया है। यहाँ विविध प्रकार के पक्षी, फूल, पौधे देखे जाते हैं। यहाँ वन उद्यान में एंट्री फी 20 रुपये है। आप अंदर जाने के बाद यहाँ काफ़ी बच्चों को खेलने के लायक चीज़ें है, चिल्ड्रंस पार्क है, और अंदर आने के बाद आप नेचर का एक बहुत ही अच्छा अनुभव ले सकते हैं। विविध प्रकार के पक्षी, फूल, पौधे देखे जाते हैं और सारे प्राणियों पक्षियों की जानकारी यहाँ बोर्ड पे दी गई है। अंदर आने के बाद एकदम नेचर के बहुत करीब आपको महसूस होगा, एकदम फुल पीस ऑफ माइंड का अनुभव होगा और पंछियों की मीठी मीठी आवाज़ आपके कानों में सुनाई देगी। बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, ये बच्चे काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। एक दिन का अगर आपको टूर करना है तो मंदिर के दर्शन करने के बाद ये वन उद्यान का टूर करेंगे और साथ में आगे में एडवेंचर पार्क भी दिखाई देगा। यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो करने के बाद एक काफ़ी रोमांचकारी अनुभव आता है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तंग आने के बाद आदमी कभी कभी सोचता है कहीं बाहर जाए, कुछ एंजॉय करे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ काफ़ी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव आप ले सकते हो। ये बनेश्वर टेम्पल का एक ऐतिहासिक महत्व भी है, ये चारों किलों के बीच में वैसा हुआ है। जैसे पूर्व में पुरंदर किला है, पश्चिम में तोरणा है, दक्षिण में राजगढ़ है और उत्तर में सिंहगढ़ है। अभी हम एडवेंचर पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे में एक वाटरफॉल भी है, बनेश्वर मंदिर से लगभग 600 मीटर दूरी पर ये वाटरफॉल है। हालांकि अभी वहाँ डायरेक्ट जा नहीं सकते, वहाँ एक दीवार बनाई गई है सुरक्षा के हेतु। आप वो वॉच टावर पे ऊपर खड़े होके वो वाटरफॉल का आनंद ले सकते हो। उम्मीद है इधर का नेचर आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनेश्वर को बनाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। ये प्लेस पुणे से लगभग 1 घंटा दूरी पर है। आगे में एडवेंचर पार्क है, इधर आप देखेंगे। इसका 250 रुपीज़ टिकट है हर एक एक्टिविटी का। इसमें मेन जिप लाइन, वुडन ब्रिज, टायर स्विंग, कमांडो नेट और बर्मा ब्रिज, ये सारी एक्टिविटीज़ है। ये सारी एक्टिविटी इकट्ठा कर पैकेज लेंगे तो 250 रुपीज़ है, सेपरेट लेंगे तो 50 रुपीज़ पर ईच एक्टिविटी है।
आगे जाने के बाद आपको वाटरफॉल का रास्ता दिखेगा, वाटरफॉल के बोर्ड भी दिखेंगे। वॉच टावर के ऊपर खड़े होकर आप वाटरफॉल का आनंद ले सकते हो। अभी हम बनेश्वर वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ जगह जगह सुरक्षा के हेतु बोर्ड लगाए गए हैं। ये देखिए वाटरफॉल का अद्भुत नज़ारा। उम्मीद है आपको ये बनेश्वर टेम्पल और नेचर का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन इसको ज़रूर बनाएंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। धन्यवाद।